हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो हमने अभी तक वर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले ली है कि क्या होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अपने फिजिकल वर्क की जो बात कर रहे हैं, किसी फोर्स का वर्क, ठीक है। उसके बाद में हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी, है कि नहीं? मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे क्या कहते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी। और उसका वैल्यू कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई 2 m। तो ये दोनों आप ध्यान में रखोगे और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब एक अलग प्रकार की एनर्जी है, अलग प्रकार क्या, ठीक है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, इसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अपना अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कभी बचपन में किसी ने तीर बनाया है और अब जब तीर बनाया होगा तो क्या करते थे तुम? उस धागे को ऐसे पीछे खींचते थे तो उस तीर के अंदर एनर्जी भर जाती थी, या ज़्यादा अच्छा है कि उस धागे में एनर्जी भर जाती थी। किसमें किसमें भरती थी बेटा? धागे में। अगर आप देखो तो वो धागा ही पीछे जाता था तो वो धागा खींचा गया और उसके अंदर क्या भर गई है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी भरी है वहां पर? अब तुम अगर ध्यान से देखो तो थोड़ी देर बाद में ऐसे जैसे ये पकड़ रखा मैंने, यहां से मैंने पीछे खींचा, यहां तक खींच लिया। पहले यहां से यहां तक था वो, फिर मैंने इतना खींच दिया तो उसकी लंबाई बढ़ गई ना। पहले तो उसकी जो धागा था वो यहां से यहां तक था, या तार कह सकता हूँ, फिर वो तार यहां से यहां तक आया कि नहीं आया? तो क्या पकड़ा? बढ़ा दिया हमने, लंबाई बढ़ा दी। अब एक्चुअली क्या है, उस तीर के पास तो अभी कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन उस धागे में या उस तार के अंदर एनर्जी आ चुकी है। और जैसे हम उसे छोड़ेंगे ना तो वो वाली एनर्जी उस तीर के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो सीधा होगा उसके अंदर जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी उस तीर की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। लेकिन पहले वो एनर्जी थी किसमें? उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझे बात? इलास्टिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं उसे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि वो उस धागे में या उस तार में कौन सी ऊर्जा भर गई थी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको धीरे धीरे क्या देर ला रहा हूँ, ऊपर की ओर ला रहा हूँ धीरे धीरे, तो टोटल वर्क डन तो इसका जीरो ही है, क्योंकि जितना मेरे हाथ ने किया उतना ही किसने कर दिया? एम जी ने। तो टोटल वर्क डन जीरो है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? अरे बात समझ रहे हो क्या? अभी यहाँ पर कोई चीज़ खींची नहीं गई है, पहले बता दूँ, तो इलास्टिक एनर्जी नहीं है, इसके अंदर आ चुकी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो उस फील्ड के अंदर यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, और जब मूव कर गया तो उसके अंदर क्या आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ वाले क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा होगा अगर अपने 12th के अंदर देखा हो ढंग से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अपन एक चार्ज को लेकर आते थे और उस चार्ज को लाने में हमें वर्क डन करना पड़ता था, और वो वर्क डन ही किस में बदल जाता था? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी एक तो बेटा रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव है, मतलब ये किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? रेफरेंस पॉइंट। लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें क्या लिखना लिख देना, जरूरी है लेना क्या? रेफरेंस पॉइंट। जब तक आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लोगे तब तक आपका काम नहीं होगा, और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानना है? जीरो मान लेना है कि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा? जीरो, वो मान लेना है कि नहीं है वो हमें मतलब नहीं है। नहीं बात समझाई? इसका मतलब होगा कि हम निकालने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा अच्छा शब्द क्या है बेटा? चेंज इन, बोलो बोलो, यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम जो चीज निकालेंगे वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे चेंज, क्योंकि हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि वहां पर कितनी है? जीरो। तुम एक बात सोचो तो सही, एक बार थोड़ा सोचने का प्रयास करो। मैं मान लेता हूं कि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम मास की कितनी है बेटा? जीरो। और मैं यहां लिख देता हूं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 5 जूल। बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 5 जूल। वो 5 जूल तो तब है जब यहां पर कितनी है? जीरो है। अगर मैं यहां पर 5 करता हूं वहां 10 हो जाएगी,
अरे बात समझ रहे हो क्या मेरी? तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? अपने रेफरेंस पॉइंट पर। हमने माना क्या है, हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं चीजों को। और जो मर्जी हो आप मान लेना, आपकी जो मर्जी पड़े वो मान लेना, मैं तो कर रहा हूं, ठीक है ना। आप इस चीज रेफरेंस पॉइंट मानने के लिए स्वतंत्र हो, आपको जो मानना है आपकी मर्जी, आप वो चीज मान सकते हो। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही माननी है, उसके अलावा कुछ नहीं मानना है। अरे बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत मेरी की? नहीं आ रही? आ रही है क्या? आनी भी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, होती क्या है ये, बात समझ रहे हो। अब अगर देखो ध्यान से, तो जैसे ये ब्लॉक रखा मैंने हाथ पे और मैंने मान लिया है कि मेरे हाथ के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। कहाँ माना है? मैंने अपने हाथ पे ही माना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो मेरा हाथ का जो फोर्स लग रहा है वो इसके लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, बाह्य बल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर वर्क डन कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये वर्क डन किसके अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। नहीं पल्ले बड़ी बात, यहां पर क्या लग रही है बेटा, ग्रेविटी लग रही है और ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो हम यही कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड, संरक्षित क्षेत्र में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। एक एक शब्द काम का है। तो यहां डेफिनेशन में लिख लेना, वर्क डन, वर्क डन। देखिए अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जब अपन ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करेंगे ना, उसके अंदर आपको ठीक से समझ में आएगा कि वहां पर अपन इन्फिनिटी से, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, वहां इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लेकर आते थे, है ना, किसी पॉइंट तक। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो भी वर्क डन होता था उसे क्या मानते थे अपन, उसे पोटेंशियल मानते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानते थे। और अगर अपना क्यू कूलम आ रहा है तो अपन क्या बोलते थे कि सिस्टम के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ये बात पहले पड़ गई बेटा? अच्छा अच्छा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब फील्ड कैसा होना चाहिए, जैसे ग्रेविटी कैसा है बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड है ना, संरक्षित क्षेत्र में, लिख लेना यहां पर हिंदी में, संरक्षित क्षेत्र में, मैं लिख देता हूं, संरक्षित क्षेत्र में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य कण की स्थितिज, कण की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की समान होता है। क्या है बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड में किसी एक्सटर्नल फोर्स का, अभी अपन को इंटरनल वगैरह नहीं देखना है, यानी हमें कुछ नहीं देखना है, केवल और केवल क्या देखना है, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। और वो जो वर्क डन है ना बेटा, वही क्या बन जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा अच्छा है चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि हमने पक्की बात है कहीं ना कहीं क्या माना होगा, रेफरेंस पॉइंट माना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो बेटा हम सबसे पहले जो भी करेंगे उसके लिए क्या करेंगे बेटा, बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट बनेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, एक एम मास का ब्लॉक है और इसको मैं स्लोली स्लोली एक्सटर्नल, हाँ इसके अंदर एक चीज तो ऐड करने भूल गया मैं, स्लोली स्लोली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्लोली स्लोली धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य, ठीक है ना, ऐड कर लेना स्लोली स्लोली, जरूर ऐड करें, चाहे ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको याद रहे कि मुझे यहाँ यूज करना है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा तेज ले लोगे तो फिर उसके पास में क्या जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, है ना, गति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, वो अलग चीज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्लोली स्लोली कितनी हाइट तक ऊपर लेके गया बेटा, अरे बोल लो कितनी हाइट तक ऊपर ले गया, एच हाइट तक ऊपर ले गया। तो बताओ मैं यहां क्या मानूंगा बेटा, क्या मानूंगा, रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट मानने का मतलब ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानूंगा, जीरो मानूंगा। अब मेरा देखो बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया सर, ऊपर की ओर लगाना एम जी एच, बस और कोई देखना ही नहीं अपने को, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही देखना, और वो कितना है एम जी एच, और वही क्या बन चुकी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, कहां पर, यहां पर।
तो मैं यहां लिख दूं ना पोटेंशियल एनर्जी 2 लिख दूं, है ना, या ज्यादा अच्छा है कि इसको U2 लिख दे। यहां पर क्या लिखते हैं इसको, U1, पोटेंशियल एनर्जी को U से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो एक्सटर्नल वर्ड निकाला है वो क्या है बेटा, U2 माइनस U1 है, क्या है। अब हमने U1 को 0 मान लिया है इसलिए U2 mgh के बराबर आएगा। अगर मैं यहां 5 मानूंगा तो 5 ऐड हो जाएगा, 10 मानूंगा तो 10 ऐड हो जाएगा, 20 मानूंगा तो 20 ऐड हो जाएगा, ऐसा भी क्या है। अरे हो ही जाएगा ना भाई साहब, अरे बोलो भाई। तो U2 बराबर क्या आ जाएगा, यहां mgh आ रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं है। अरे थोड़ी बहुत बात पहले पड़ी गया, यहां जो हम मानेंगे उसका फर्क वहां दिखेगा, हम मानेंगे 0 ही, लेकिन कभी कभार अगर पर्सन में वो दे दे तो वही मानना है फिर, बात समझिए। लिखना इसको ऐसे ही है, वो जितना दे दे उतना लिख देंगे। अब ठीक है, अब ऊपर से नीचे भी ले आते हैं यार, ऐसा क्या है, ये एम मास है और ये क्या हो गया बेटा, एम मास नीचे आ गया। अब नीचे लाने के लिए आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर ही लगाना पड़ेगा, अभी भी ऊपर ही लगाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, देखो अगर तो ऊपर नहीं लगेगा, अगर मैं इसको छोड़ दिया नीचे लगा रहा हूँ, एमजी तो लग ही रहा है, और ज्यादा बल लग जाएगा, तो उसमें मुझे फोर्स किधर लगाना है, ऊपर, ऊपर लगा रहा हूँ नीचे एमजी, लेकिन मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ इसको नीचे की ओर ला रहा हूँ, लेकिन मेरा फोर्स अभी भी किधर है, ऊपर की ओर ही है, क्योंकि इसका नेट फोर्स क्या होना जरूरी है, 0। एमजी के बराबर ही क्या लगेगा, एमजी लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स भी एमजी के बराबर होगा, लेकिन बस नीचे ला रहा हूँ, मैं ला किधर रहा हूँ नीचे। तो मैं मान लेता हूँ कि बताओ रेफरेंस कहाँ मानना, मुझे बता दो, तुम तो कहो वहाँ मान लूँ, मैं ऊपर मान लूँ क्या, सभी समय तो ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि ये अपना क्या है बेटा, रेफरेंस पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, आपका U1 कितना मान लिया मैंने, 0। तो मुझे यहाँ का U2 निकालना है। मुझे कोई बच्चा बता पाएगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्गमूल कितना आएगा, नीचे हुआ डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगा फोर्स, तो ये क्या बनेगा बेटा, U2 माइनस U1 बराबर माइनस का mgh, U2 बराबर कितना आ गया, माइनस का mgh, यानी नीचे लाने पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, घट रही है, यानी मैं जितना हाइट के ऊपर किसी पार्टिकल को लेकर जाऊंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। टाइम लगेगा, ये रहा, तू भी यहाँ लिख दे, हिंदी वाले क्या बेटी का दे। संरक्षित क्षेत्र में, संरक्षित क्षेत्र मतलब क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, वो गुरुत्वीय क्षेत्र भी हो सकता है, वो विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, वो कोई सा और सभी क्षेत्र भी हो सकता है। टाइम लगेगा क्या, हो गया होगा मेरे ख्याल से। रब कर रहा हूँ मैं, इधर तो कर ही दूँ। तो कल हमने देखा था जब एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया था, याद है, तो वो काइनेटिक में बदल गया था, है ना, और आज किस में बदल गया है, इसीलिए मैंने स्लोली स्लोली लिखा है, क्योंकि मैंने इसको स्पीड लेने ही नहीं दी। स्लोली स्लोली का मतलब यही है कि एकदम बस जा रहा है धीरे धीरे। एक चीज बच गई थी अपने पास, वो क्या थी बेटा, स्प्रिंग, स्प्रिंग, ये एम मास का ब्लॉक है, है ना, मान लेते हैं कि एम मास का ब्लॉक है, और ये स्प्रिंग कितनी है बेटा, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है इसका, ठीक है, अभी नेचुरल लेंथ में। ओके,
अब हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसको खींच सकते हैं या दबा सकते हैं। बताओ पहले कौन सा काम करूँ? खींचने वाला रख लेते हैं। चलो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये कैसा फोर्स है? धीरे धीरे खींच रहा हूँ। कैसे खींच रहा हूँ बताओ? इसको जब तक मैं एक्स खींचूंगा तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाई स्प्रिंग दोनों निकालना है। दो चीज निकालो, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, और ये मैं इस पार्टिकल को कैसे लेके जा रहा हूँ? स्लोली स्लोली। और दूसरा क्या निकालना है बेटा? वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य और स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। क्या किया मैंने अभी? ये नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ से इसको आगे एक्स लेंथ तक खींचा, वो भी धीरे धीरे खींचा है। के एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा, जो कि बहुत ही गलत आंसर है। करें तो बताओ, अगर मान लो कि इसके अंदर खिंचाव जो है एक्स आ गया, थोड़ी देर में खिंचाव आ ही जाएगा, पक्की बात है। अगर खिंचाव एक्स आ जाएगा तो तुम्हें कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी खींचने के लिए? अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बेटा? अच्छा, तो इसमें एक्स खिंचाव आ गया क्योंकि स्प्रिंग इधर खींचेगी, फिर कितने से? तो आपको भी स्लोली स्लोली के लिए कितना जरूरी लगाना है बेटा? बोलो बोलो, के एक्स। अरे बोलो, मास मैं ऐसे ही ले रहा हूँ इसको। कितना लगाया आपने? के एक्स लगा दिया, बहुत बढ़िया यार, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बताओ अब क्या होगा? तो सर वर्क डन, ये तो सर कॉन्स्टेंट फोर्स ही नहीं है, ये कैसा फोर्स है? एक्स पे डिपेंड करने वाला वेरिएबल, और जब भी वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं? तो वर्क डन कितना आएगा? इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएक्स, अगला स्मॉल डीएक्स के लिए कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू जीरो से एक्स तक चेंज हो ही रही है। एफ कितना है? के एक्स डीएक्स। अरे बोलो, ये कितना बनेगा? के एक्स स्क्वायर बाई टू। अरे ध्यान से देख लो, वो जीरो से लिमिट भी रख दिया मैंने साथ साथ, तो एक बटा दो के एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो बताओ ये किसका वर्क डन है? एफ का है। किसका है बेटा? क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे स्प्रिंग का कितना आएगा? उतना आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लग रहा है किधर है? इधर है, एक्स लग रहा है इधर, तो कितना? माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बेटा? माइनस। तो जब हमने खींचा है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना आया? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही स्प्रिंग में क्या स्टोर हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। मैं बार बार बोल रहा हूं, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यहां पर ये जो होगी वो इलास्टिक होगी बेटा। कौन सी होगी? इलास्टिक, ठीक है ना, मतलब खींच रही है एक तरीके से जब भी कोई चीज। हाँ ठीक है, हुक्स ने दिया था ये लोग, ठीक है, बात समझ रहे हो कि फोर्स कितना था? केएक्स आता है। अब इस हिसाब से आपका जो एक्सटर्नल का वर्क डन है वो कितना आ गया है? बोलो बोलो, आपको ध्यान से ये देखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया? तो यही क्या बन जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लिख दूं बेटा किसमें? तो स्प्रिंग में जब एक्स खिंचाव होता है तो कितनी आती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब कल को मेरी स्प्रिंग को दाबने की इच्छा हुई, मैं एक्स तक दाब दूंगा, बताओ फिर स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आएगी? माइनस। मैं पूछ रहा हूं, जब स्प्रिंग एक्स से दब जाएगी यानी कंप्रेस हो जाएगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? माइनस का या प्लस का? प्लस का ही आएगा भाई, माइनस नहीं आएगा। तुम ध्यान से देखोगे ना, तो मैं अगर इसको दबा दूंगा तो दबी हुई स्प्रिंग पे किधर लगेगा फोर्स? इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा होगा? अरे इधर लगा होगा ना। ये किसके लिए कर रहा हूं मैं? दबी हुई स्प्रिंग के लिए, कंप्रेस्ड स्प्रिंग बोलेंगे इसको। तो भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया? इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर। क्या एक्सटर्नल का वर्क डन जो है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब चाहे खींची हुई हो चाहे दबी हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है? एक बटा दो के एक्स स्क्वायर। ये मामला बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे लिए इतना। अरे बोलो, चाहे स्प्रिंग खींची हुई हो चाहे दबी हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों ही सिचुएशन में जो स्प्रिंग का वर्क डन आया वो नेगेटिव आएगा।
स्प्रिंग का नेगेटिव आएगा। तो स्प्रिंग के लिए खास ध्यान रखेंगे, ध्यान कुछ नहीं रखा, बस आप तो ये देख लो कितनी खिंच गई है और कितनी दब गई है, एनर्जी तो इतनी है 1/2 एक्स स्क्वायर, बस बात खत्म हो गई। अरे बोला यार कोई दिक्कत है क्या? पक्का पक्का वो चाहे खिंची हुई हो चाहे इधर इलोंगेट और कंप्रेस्ड, चाहे वो खिंची हुई हो चाहे दबी हुई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर जो एनर्जी आती है वो हाफ की एक्स स्क्वायर ही आती है और वही रहेगी। ओके पक्का पक्का समझाई बात? कोई दिक्कत? एक दो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन कर लें ठीक ठाक से? चलो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ से लिख देता हूँ, मेरे को क्या है। ये एक तरीके से एक टेबल है बेटा, ठीक है ना? अरे बोलो। और इसके ऊपर एक चैन नीचे लटक रही है, इस चैन की जो लेंथ है वो कितनी है एल, और इसका मास कितना है एम, और मैंने अभी इसको पकड़ रखा एकदम लास्ट एंड से। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्लोली 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 खींच के क्या ले आऊँगा, इसके ऊपर ले आऊँगा। बताओ एक्सटर्नल का वर्क डन कितना हुआ, या ऐसे कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा यदि वह उस चैन को एकदम टेबल के ऊपर ले आता है। समझ रहे हो, टेबल के साइड में से लटक रही है पकड़ रखा है और मैं धीरे 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 खींच के ऊपर ले आया। अब बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, जो सरफेस है वो एकदम चिकनी है यानी फ्रिक्शन लेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग चेन ऑन टेबल। हिंदी वाले बच्चे लिख लेना, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए जब चेन टेबल पर आ जाती है। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए जब चेन टेबल पर आ जाती है। क्या लिखे है, महक रही है? ओ लोग मजा ले रहे हैं मेरी हार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन ना हो रहा तुमसे, बताओ आंसर कितना आएगा इसका। एम जी एल की एम जी एच एस, यही नहीं मैंने एल दिया है, एम जी एल ठीक है बेटा। कितना आएगा, बहुत ही घटिया, छोड़ आंसर तो मैं सीधा लिख देता हूँ, लो एम जी एल बाई टू ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा भैया, तुम अभी ध्यान से देखो, ये जो है ना तुमने अभी तक किया था ना, ये पूरा एक एक किया था कि तुमने एम मास है ना और उसको कितना ऊपर ले गए थे एच, तो उसमें ना पूरा का पूरा जो मास है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था एच, पूरे का पूरे मास को एक पॉइंट पर माना था तुमने, यहां मास आपका बिखरा पड़ा है। देखो थोड़ा सा मास यहाँ पर है, थोड़ा सा हर जगह ये मतलब मास, तो चिन्ह चिन्ह मास बिखरा पड़ा है ना, हाँ तो मास एक जगह पर नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, या तो इंटीग्रेशन का यूज करो या सेंटर ऑफ मास का यूज करो, ठीक है ना। फिलहाल इंटीग्रेशन आता है हमें, सेंटर ऑफ मास आता नहीं है, तो उसका यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एक एलिमेंट्री अल्पांश लेना पड़ता है। आ रहा है यार, ले लूँ क्या मैं इसको, टेबल को ही क्या मानूंगा बेटा, रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। और ये सोचो कि ये इस तरीके से यही है ना, हाँ जी। अब ये सोचो कि मैंने क्या किया है, यहां से एक क्या ले लिया, डीएम लिया है, कितना लिया है, और वो मैंने कितना नीचे से लिया है बेटा, एक्स नीचे से लिया है, क्या दिक्कत होगी बताऊ। अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। बताओ यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस एन जी
एक्स डी एम एक्स, बोलो बोलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलो तुम तो, माइनस डी एम जी एक्स। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई साहब इस डीएम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसके रिस्पेक्ट में? अब ये नीचे है ना, अगर नीचे है तो माइनस में है, ऊपर है तो प्लस में है। रेफरेंस पॉइंट से अगर मास नीचे है तो नेगेटिव में है, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव में। अभी नीचे है ना, और मैंने क्या बोला था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोला है मैंने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं मान लेता हूं कि ये इनिशियल है ना, अरे बोलो, और फाइनल तो कितनी हो जानी है इसकी? जीरो। अरे जब यहां पर आ जाएगी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया बेटा? फाइनल माइनस, अरे बोलो इनिशियल तो कितनी है? माइनस। फाइनल कितनी होगी? जीरो माइनस, बोलो बोलो, माइनस डी एम जी एक्स। तो इस छुटके से को, इस छुटके से को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? डीएम जी एक्स। अब ऐसे डीएम तो बहुत सारे हैं भाई साहब, और डीएम क्यों, एक्स भी तो चेंज हो रहा है, साथ ही साथ एक्स भी चेंज हो रहा है। तो अपने को ऐसा करना है कि इंटीग्रेशन तो हम कर दें, ये छोटा सा वर्क डन लिख दूं मैं, इसको डी डब्ल्यू लिख देता हूं फिर, है ना, ये छुटका सा है ना, इसलिए ये तो सही था ऊपर वाला, तो इसको मैं लिखता हूं डी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्सटर्नल, ठीक है सर। तो ध्यान से देखो, ये आपको बार बार लिखना आना चाहिए कि डीएम कितना आएगा, कितना आएगा भैया? एम अपॉन एल इंटू में एक्स, सॉरी डीएक्स। कैसे लिखा मैंने ये? मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ये वैसे ही है, हाँ, एक एकांक लंबाई में द्रव्यमान, और कितनी लंबाई में चाहिए? डीएक्स में, यूनिट लेंथ में मास, पर मास पर यूनिट लेंथ हो गए, मास पर यूनिट लेंथ। आप सीधा सीधा यूनिटी नियम लगा सकते हो कि एल लेंथ में कितना मास है? एम, तो यूनिट लेंथ में एम बाई एल, आपको कितने में चाहिए? डीएक्स में, तो डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज आती है। यहाँ देखिए हम ये सीधा कर सकते हैं, कल को क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है? कि मास जो है यहाँ से यहाँ तक बदल रहा है। अब देखो तुम चाहे डीएक्स यहाँ ले लो, चाहे डीएक्स यहाँ ले लो, चाहे डीएक्स कहीं भी लो, आपको इक्वल मास मिलेगा, लेकिन कल को वो चेंज भी कर सकता है। चलो अगले प्रश्न में ही कर देता हूँ, ऐसा भी क्या है, कर ही सकता है भाई साहब। हाँ तो अब आंसर बताएंगे तो कितना आएगा? डी एक्सटर्नल बराबर एम बाई एल इंटू में, एक तो रहेगा डीएक्स, एक रहेगा जी एक्स डीएक्स, अरे राग नहीं रहा, और एक्स कहाँ से कहाँ चेंज होगा? जीरो से एल, टोटल वर्क डन आ गया। एक्सटर्नल कितना आएगा बेटा? एम अपॉन एल जी, और ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर बाई टू, एक एल से एल कट गया तो कितना आएगा? एम जी एल बाई टू। हाँ तो देखिए इस चीज को ध्यान से, अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास से करना चाहें तो भी आसानी से कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे आप बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा? एल बाई टू नीचे आएगा, अगर यूनिफॉर्म है ना तो कितना नीचे आएगा? अब बताओ सेंटर ऑफ मास अंत में कहाँ गया? इस टेबल पे ही आ गया, तो लास्ट में तो जीरो गया। बताओ स्टार्टिंग में कितनी थी उसके पास एनर्जी? माइनस एम जी एल बाई टू, और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? एम जी एल बाई टू, एक लाइन में हो गया। अरे नहीं आई बस, नहीं आई, क्या करे तो फिर बस। तो अब सेंटर ऑफ मास के दिखाओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी है? माइनस एम जी एल बाई टू, उसके रेफरेंस के अबाउट, रेफरेंस क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। तुम रेफरेंस अगर इसको लोगे तो भी आंसर तो यही आएगा, अगर तुम रेफरेंस इसको लोगे तो भी आंसर ये, तुम रेफरेंस इसको ले लो तो भी आंसर वही आएगा, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना? ना मौसम बदलेगा ना जमाना बदलेगा, जो बदलेगा किसके किसके जज्बात बदला रहा है तू ना, ऐसे मत बदला। अरे ये बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी गई, एक थोड़ा और ढंग का क्वेश्चन कर ले, या तुम्हारे तोते उड़वा दूं? नहीं उड़े, चलो स्लोली स्लोली चलो। ये है एक, क्या बताऊं मैं, ठीस, ये एक अर्धवृत्त है, क्या है? सेमी सर्कल, सर्कल वर्त, अर्धवृत्त, और उसके ऊपर बैठा है टचक 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 टचक, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस कितनी है? आर, और इसके ऊपर रखी गई है एक चेन,
और वो चेंज जो है वो इतनी है, यानी पूरी यहाँ तक नहीं आ रही है। कितने एंगल तक है वो? वो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। थीटा एंगल नहीं दे, हो सकता है वो दे दे क्या बेटा, इसका मास एम है और लेंथ एल है। बट आप समझ गए ना, जो थीटा बनेगा वो 90 से कम ही बनेगा। बताओ भाई साहब, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट मतलब रेफरेंस लाइन हो गई इतनी से, समझ रहे हो? तो बताओ इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? चेन किसी एक पॉइंट पर होती है, हम मान लेते सीधा लिख देते एम जी एच, कितनी हाइट पर रखी हुई है ना। अब ये क्वेश्चन बेसिकली सेंटर ऑफ मास का भी हो गया, कि आपसे पूछ सकता है वो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है, एक ही तो बात हो गया। तो यहां से जितनी हाइट पर सेंटर ऑफ मास है उतनी ही क्या है पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच कर देंगे, वो एच निकाल दो बस, तुम एक काम हो गया। लेकिन फिर भी सोचते हैं, आप ये सोचो अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो हम इस पूरी चेंज को स्टार्टिंग में यहां मान सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक चिन्ह सा डीएम उठाया और उसको उठा के यहां रख दिया, तो उसको करने में वर्कडन कितना आएगा, एम डी एम जी आर, यहां आर तक जा रहा है ना, रेडियस आर है। लेकिन उससे अगला जो होगा वो आर से कम हाइट तक जाएगा, उससे अगला थोड़ा और उससे कम जाएगा, उससे अगला और कम हाइट तक जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये तो थोड़ी थोड़ी बात समझ में पड़ रही होगी। तो मैं एक एक डीएम को ले जाता हूं, तो मेरे लिए सिर्फ एक चीज काम की रह गई, अब क्या, एक डीएम को मानना। अरे मान लो क्या बेटा, अरे बोलो भाया, चलो डीएम को मानता हूं मैं। अब डीएम को जब मानूंगा तो उसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक एंगल मानना पड़ेगा। कितने एंगल पर मान ली बेटा मैंने, अरे मान लू ना, और इसको वापस से इससे मिलाऊंगा, मिला दू क्या, तो ये बहुत छुटका सा एंगल बना, उसको क्या बोलते हैं, डी थीटा। और ये डीएम जो बना है इसका लेंथ भी आएगा डीएक्स, आर्क लेंथ डीएक्स आएगा। बताओ डीएक्स का डीएम मास कितना है, डीएम कितना आएगा बोलो, टोटल मास एम डिवाइड बाई एल इंटू में डीएक्स। एक चीज और लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। तो डीएक्स कितना आ गया, आर, उसको यहां टिका दो डीएक्स को, तो डीएम इक्वल टू क्या आ गया, एम अपॉन एल आर डी थीटा। कुल मिला के मुझे समझ में आ गया, मुझे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो किस में करनी है, थीटा में करनी है, बात समझ गए। अच्छा अब कोई बच्चा बताएगा इस डीएम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैं डी यू लिख दूं उसको, अरे लिख सकता हूं, बताओ कितनी है सर, डीएम जी इंटू में एक हाइट हो रहेगी, आर नहीं, आर कोस थीटा, क्योंकि ये आर हो गया बेटा, अरे हाइट तो यही चाहिए ना, ये कितना हो गया बेटा, आर है ये, रेडियस तो आर हो गई, उसका ये वाला कंपोनेंट ये कितना आएगा, तो कितनी लिख दूं मैं इसमें, अरे यार कर सकता हूं क्या, पक्का ना, चलो बताओ फिर, डी यू कितना आया बेटा बोलो, डीएम, डीएम बोलो एम अपॉन एल आर डी थीटा इंटू जी इंटू में आर, कुछ नहीं जितने कॉन्स्टेंट है उन सबको एक्साइड कर लो, एम आर स्क्वायर अपॉन एल जी, फिर क्या बच गया, कोस थीटा डी थीटा। अब हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में थीटा पहला पहला थीटा बोलो कितना आएगा, जीरो, अरे यार बोलो कितना आएगा, जीरो, और अंत वाला कितना आएगा, अंत वाला, सर ये स्टार्टिंग में जो ये एंगल बनेगा वही आएगा ना, अरे बोलो, और वो थीटा कितना आएगा, अरे बोलो यार, अरे भाई साहब आर्क टोटल थीटा वो नहीं दिख रहा, बड़े वाला थीटा, ये वो थीटा नहीं है, मैं इसको कुछ और नाम देता हूं, मैं क्या नाम देता हूं इसको, अल्फा नाम देता हूं, चलो ये बड़ा अल्फा दिख गया, तो थीटा यहीं से चेंज हो रहा है, जीरो से लेकर लास्ट वाला अल्फा तक जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, एल बाई आर, अरे बोलो आया कि नहीं आया, तो मैं इसको अल्फा तक लिख दूं, ये तो टोटल क्या बन जाएगी, यू बन जाएगी, और ये कितना आ गया, एम आर स्क्वायर जी अपॉन एल, और इसका क्या होता है, इनको एक बार डिफरेंशिएशन सीख लो, तुम एक बार इंटीग्रेशन सीख लो, काम आएगा, यही आएगा आंसर, अपर लिमिट माइनस यू इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी अपॉन में एल इंटू में, बस, और साइन अल्फा की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, एल बाई आर, बस सही तो किया मैंने, अल्फा ही रखूंगा ना, एल बाई आर ही तो है, ये रेडियन में रखी है मैंने, किस में रखी है, रेडियन में, डिग्री में नहीं है, अरे बोल भैया, काइनेटिक एनर्जी को ठीक से समझ लिया है,
वर्क डन को भी ठीक से समझ लिया ना। ये तो थी बात समझने की। अब बात शुरू होगी कहाँ से बेटा, एप्लीकेशन से। और उस एप्लीकेशन से पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने पोटेंशियल एनर्जी को जब जाना था वो क्या थी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ठीक से बोलो। एक्सटर्नल का वर्क डन क्या बनेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो मेरे साथ साथ बोलोगे ना, इन वर्ड का एक एक का बहुत ज़्यादा मतलब है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य संरक्षित क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, वो किसके बराबर होता है, चेंज में, उसके चेंज में, चेंज चेंज। इसलिए तो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, बार बार रेफरेंस पॉइंट इसीलिए लिया जा रहा है। आइए, बात मेरे ख्याल से आपको ठीक से समझ में आ गई होगी, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अरे आगे क्या, अच्छा मैंने लिखा बेटा, अगर आपका कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या था, डेल्टा यू लिख दूं मैं, अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होगा, यू टू माइनस। आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था वैसे वास्तविकता में, अगर ध्यान देते ना तो जैसे ये एम मास था, उचक के यहाँ एच हाइट तक आया था, बताओ इस पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा था, ग्रेविटी, एम जी लग रहा था ना, अरे संरक्षित बल वही था ना। कोई बच्चा बता पाएगा मुझे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना आएगा, कंजर्वेटिव लिख रहा हूँ मैं उसे, कितना आएगा सर, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है, बस माइनस में आ चुकी है। अरे तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव कितना आएगा, अरे बोलो, माइनस डेल्टा यू, कितना है बेटा, अपना वो नीले वाला कहाँ है, हाँ फिर से बोलो सर, कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन ही होता है लेकिन माइनस में। सर एक्सटर्नल का वो प्लस में होता है, ये चीज कितनी काम की चीज है भाई, नहीं समझ आई बात, बताओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो कितना होगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे भैया बात समझ आई के, अब ये चीज मैं अगले कंसेप्ट में काम में लेने जा रहा हूं, किसी के पेट में कोई दिक्कत हो रही हो तो अभी बता दे इस चीज को समझने में, किसी के पेट में मरोड़े आ रहे हैं इसको समझते हुए, नहीं आ रहे, पक्का पक्का समझ में आ रही है, हाँ टॉपी बाज पक्का, ठीक है फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो ना इसको। अच्छा फिर से बताओ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है बेटा, चेंज इन, उस बगल वाले से देख के लिख ले, हाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फील्ड में कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, माइनस डेल्टा यू, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थिति ऊर्जा में ऋणात्मक परिवर्तन के बराबर, अरे नेगेटिव चेंज, अरे वही है माइनस में नहीं आ रहा क्या भाई, वही तो कह रहा हूं मैं बार बार, अरे बोल समझ पड़ गई बात, पक्का पक्का पड़ी, अब लिख दो फिर डब्ल्यू ई टी, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, और ये क्या है बेटा, 7 स्टार लगा लेना इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो कथन है ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्टेटमेंट लाइन एक ही है, समझ लो पूरी फिजिक्स की जान है यहां पर वो लाइन, और वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बैठती है बेटा, कार्य ऊर्जा परमे, कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ बेटा, माइनस डेल्टा यू, अरे संरक्षी एमजी संरक्षी नहीं है क्या, तो उसका कार्य कितना हो गया, माइनस एमजीएच, तुम डेल्टा यू कितना रहा है, अरे यहाँ पर डेल्टा यू कितना है बेटा, ऊपर ले गए तो एमजीएच आया, और वर्क डन मैं बोलो एमजी का वर्क डन कितना आएगा सर, माइनस एमजीएच, इसीलिए तो मैंने लिखा दिया माइनस डेल्टा यू, बस बात खत्म हो गई, हाँ तो ये वैलिड है, ये क्या है बेटा, हमेशा वैलिड रहने वाली चीज है। अच्छा ये क्या है बेटा, कार्य ऊर्जा, स्टेटमेंट सुनना मेरा सभी एकदम गौर से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है,
वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फिर से बोलो, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है. एक बार फिर से, सभी वर्क डन, मैं बोलता हूं, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां जितने बल लग रहे हैं, जैसे एमजी लग रहा था, ऊपर से एक्सटर्नल भी लग रहा था, कोई और भी लग रहा था, हमें नहीं पता कितने लग रहे थे, जितने लगे उन सबका वर्क डन किसके इक्वल आएगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो मैं लिखने जा रहा हूं, मेरे बहुत ही तगड़ी चीज लिखने जा रहा हूं. क्या बोलूंगा मैंने? वर्क डन बाई ऑल, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य. मैं लिख दूं ऑल फोर्सेस, तुम भी ऐसे ही लिखना. वो क्या होगा बेटा? डेल्टा के. बस यही लाइन है. अभी लिखा ना, आ रहा है भाई, चीजें सब आ रही हैं, बहुत काम की चीजें आ रही हैं. तुम समझते जाओ एक चीज को. यहां स्टेटमेंट लिख देना हिंदी वाले बच्चे, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है. वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है. वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अरे यार ये बात समझाई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है. लिख देना यहां इसके आगे, हमेशा लगेगी. क्या लिख देना? हमेशा लगेगी. ये वर्क एनर्जी थर्म क्या करनी है बेटा? हमेशा लगेगी, हमेशा. ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ये लगती नहीं है, हमेशा लगती है भाई. अब देखो ये इतना लाइन लिख ली ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो फोर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बेटा कंजर्वेटिव और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव. इज इक्वल टू कितना आ गया? डेल्टा के. और अभी अभी देखा है मैंने, कंजर्वेटिव क्या होता है बेटा? माइनस डेल्टा यू. प्लस नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा के. इसको उधर फेंक मारो तो ये क्या हो गया? वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा के प्लस डेल्टा U. और इसको बोलते हैं, इसको दोनों को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा. क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. हाँ जी, इसका मतलब होगा अगर किसी पार्टिकल पे क्या लग रहा है बेटा? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, जैसे फ्रिक्शन लग गया, जैसे विस्कस फोर्स लग गया, कोई भी फोर्स लग गया, उसका वर्क डन अगर निकालना हो तो क्या निकाल देंगे? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज. क्या निकाल देंगे? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज. ये क्या है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी का चेंज ही तो है. तो ये समझ आ गया होगा कि असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी ये सभी असंरक्षी हैं, इसमें सब आ गए हैं, सभी असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है. फिर से बोलता हूं, वर्क डन बाय ऑल द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी. बस 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 बस. अब इससे जुड़ी हुई एक चीज आती है, वो आती है एनर्जी कंजर्वेशन. क्या आती है बेटा? बोलो क्या आती है? एनर्जी कंजर्वेशन. अभी मैं ज्यादा अच्छा है कि मैं बोलूं मैकेनिकल. कौन सी एनर्जी बेटा? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण. अभी अपन यही पलटे वाले हैं, ठीक है ना? तो मैं अब एमईसी पढ़ाने जा रहा हूं आपको, कुल मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम. और वो क्या कहता है बेटा? यदि, वो पहली लाइन बोलेगा क्या बेटा? यदि, क्या यानी इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाए, यानी अगर असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य है, तो कण की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट. अरे वर्क डन जीरो आ गया उसका, वही तो कह रहा हूं. वर्क डन बाय नॉन,
तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर जीरो। डेल्टा के क्या होता है बेटा, के टू माइनस या के फाइनल लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा क्या बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस में यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो। थोड़ा ध्यान से देखो, यू इनिशियल उधर भेज दो और के इनिशियल को भी, तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, यू इनिशियल प्लस में के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। ध्यान से देखो, ये प्रारंभ में टोटल एनर्जी हो गई और ये अंत की टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। लेकिन शर्त ये है कि ये होना चाहिए, यानी ये कभी कभी लगेगा, ये क्या लगेगा बेटा, कभी कभी, और कभी कभी कब लगेगा, जब ये आ जाएगा, यानी नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है उनका वर्क डन क्या हो जाए, या मतलब सीधी सीधी बात है वो नहीं लग रहे हो, वो हाँ हाँ अरे तो मतलब जैसे फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो तुमको पता लगेगा कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा, इसका मतलब ये लगाना है मुझे, और अगर पता नहीं लग रहा तो ये लगाना, ये तो हर बार ही लगेगा, क्योंकि इसी चीज से ये निकल के आई है ना, इस एक लाइन से निकल के आया सब कुछ मामला, समझ रहे हो, पूरा मामला जो डिपेंड करता है उस इस एक लाइन पर करता है। और वो लाइन क्या कहती है बेटा, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बोलो, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो गया, ठीक है, डब्ल्यू कंजर्वेटिव बन गया, फिर कंजर्वेटिव नहीं। अरे यार तू क्या बोलना चाह रहा है, नॉन कंजर्वेटिव जीरो नहीं हो सकता क्या कहीं पे, तो फिर नहीं हो सकता, तो फिर हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव लग रहा हो लेकिन उसका वर्क डन जीरो आ जाए, लेकिन फिर क्या लगेगी, ये लगेगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा। तो तू कहता रहा जैसे दो ब्लॉक है, एक के ऊपर एक रख दिया मैंने, फ्रिक्शन लग रहा है उनके बीच में, लेकिन वर्क डन नहीं कर रहे वो, बताओ क्या एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, रहेगी भाई साहब, ऐसा भी क्या है, तो ये तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, यानी एनर्जी संरक्षण, ऊर्जा कांस्टेंट रहने वाली है, जितनी स्टार्टिंग में है उतनी कहां तक जाएगी बेटा, अंत तक जाएगी, और ये हमेशा लगेगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ये लगा देना, तुम्हें समझ आ रहा तो ये भी लगा सकते हो, अरे क्या दिक्कत होगी बोल, हाँ ये कभी कभार कब लगेगा, ये कभी कभार ये है तब लगेगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी लगेगा, इसमें कोई कंडीशन लिखी क्या मैंने, नहीं लिखी, तो ये तो हमेशा लगेगा, मैंने लिखा है ना हमेशा लगेगा, बस वर्क एनर्जी थोड़ा हमेशा लगती है भाई, और बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। आपने एटम वाले चैप्टर के अंदर वो पढ़ा होगा कि जब गोल्ड फॉइल थी है ना, सोने का नाभिक था, उसके ओर हमने अल्फा फेंका था, तो वो न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस कितना गया था, हमने यही लगाया था, क्योंकि वहां तो कोई नॉन कंजर्वेटिव था ही नहीं ना, वो लेके आया था स्टार्टिंग से क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जीरो थी, और अंत में पूरी की पूरी काइनेटिक किसमें बदल गई थी, किसमें बदल गई थी, अरे पोटेंशियल में बदल गई थी, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या पढ़े तुमने, सारी चीजें कनेक्टेड है, सब चीजें कनेक्टेड है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अभी तो भाई क्या ही बताऊं, लगेगा टाइम थोड़ा, शायद सर्कुलर शायद आपका एक सप्ताह या मतलब डेढ़ सप्ताह के अंदर हो जाएगा, उस सेंटर ऑफ मास होता है ज्यादा ले लेगा, बराबर कर देगा ना सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास और आरबीडी दोनों मिलके सब बराबर कर देंगे साहब, अगर कोई कम टाइम लिया तो। चलो ये चीज़ अभी तक समझ आई आपको, क्या है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, सभी फोर्स का, सभी फोर्स का वर्क डन क्या होता है, बस समझ आया क्या, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है ना बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ये है बेटा एम मास का पार्टिकल है, ठीक है ना, ये बात समझ आएगी ना, अब और ये इसको हमने कितने से फेंका है, वी वेलोसिटी से, अब वी की वैल्यू लेता हूँ मैं 10 मीटर पर सेकंड कितनी, और इसका मास कितना है 2 kg, ठीक है ना, अभी मैंने फेंका और थोड़ी देर बाद में जाके रुक गया, थोड़ी देर बाद में जाके रुक गया, बताओ फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन भाई फ्रिक्शन कितना आएगा ये निकालना है, क्या लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मैं WET लिखूंगा, क्या लगाना है बेटा, कैसे लगेगा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, एक तो MG लग रहा है बेटा,
एक क्या लग रहा है इधर, नॉर्मल, एक पीछे की साइड फ्रिक्शन। तो सारे लिख दो, एम जी प्लस नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बस इतना ऐसा ही काम कर रहा है। बताओ एम जी लग रहा है नीचे, ये जा रहा है आगे, जीरो, अरे जीरो परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल का भी जीरो, प्लस में ये निकालना है, इज इक्वल टू के फाइनल रुक गया, हाफ एम वी स्क्वायर रुक गया, माइनस इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, आंसर आ गया डब्ल्यू फ्रिक्शन का, माइनस में कितना आ गया बेटा। बस कुछ सोचना ही नहीं है अब तो, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपने बहुत फॉर्मूले रटे होंगे, है ना। देखो रटने की बारी खत्म। एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा कोण पर फेंका था, बताओ मैक्सिमम कितनी हाइट पर गया था, अगर किसी को याद हो तो। टू जी, ठीक है ना। हाँ अब निकाल लेते हैं, ऐसा भी क्या है कि नहीं, अब निकाल लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसी को मैं रेफरेंस मान लूँ एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है, इसका मास मैं मान लेता हूँ एम है, जो कि फर्क नहीं पड़ता है, एम चाहे कम रहे ज़्यादा रहे वो उतनी हाइट तक जाता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा अच्छा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, एम ई सी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी लगा दें, अरे लगा सकते हैं, वर्क डन भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो बताओ किससे करके दिखाऊं, डब्ल्यू टी से दिखाऊं कि इससे दिखाऊं या दोनों से, चलो एक बार इससे कर देता हूँ। बताओ इससे करेंगे तो क्या लिखना है, के आई प्लस यू आई बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यू, अरे रेफरेंस पे तो जीरो माना ना भाई, बराबर ये कितना जाएगा, हाफ एम यू कोस थीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके पास जो स्पीड बचती है वो कितनी बचती है, यू कोस थीटा बचती है भाई, प्लस में एम जी एच, एच कैलकुलेट करना आपका आंसर आ चुका है, तुम चाहो तो पकड़ के दिखा सकता हूँ, टिचुक टिचुक, और क्या कट गया, वन बाई टू से जा रहा है क्या, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है ना यू स्क्वायर, फिर ये टू गया, फिर यहाँ आ जाएगा ना प्लस का टू जी एच, ये है, अरे तुम्हें तो एच चाहिए ना यार, ये इधर 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 लेके आओ, तो ये क्या बन गया, यू स्क्वायर कॉमन आया और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइंस का डेटा, और डिवाइड बाई क्या कर दो, टू जी बराबर आ गया एच, ये आंसर आता था मेरे ख्याल से, आंसर तो आना ही है, आंसर तो आना ही है। मैं पूछू वर्क डन बाई एम जी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक में वर्क डन बाई एम जी कितना हुआ, अरे एम जी एच माइनस एम जी एच, खत्म हो गया पर्सन यहाँ तक। मैं पूछू यहाँ तक वर्क डन बाई एम जी कितना हुआ, माइनस एम जी एच, एच निकल गया ना, ये रख देना। मैं पूछू यहाँ से यहाँ तक एम जी का वर्क डन कितना हुआ, जीरो, कितना हुआ जीरो, बाकी और कोई फोर्स लग भी नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज भी, तो इसीलिए यू से जाता है और यहाँ पर यू से आ जाता है। अरे नहीं क्या, इधर वाले सारे के सारे का वर्क डन जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं आएगा, सीधी सी बात है भाई। अरे नहीं आई बात समझ, ये लिख लिया क्या इधर वाला, अरे भाई क्या कर रहे हो ऐसा, जल्दी करो, ये तो मैं बहुत ऐसे ऐसे करा दिया क्वेश्चन, तो अभी एक डंका क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ताकि तुम्हारे भी प्राण उड़ जाएं, या तोते उड़ जाएं, तोते कंसेप्ट वाइज उड़ेंगे, क्या तुम्हारा हिला हुआ था अभी तक, क्या कंसेप्ट, स्क्रू ढीला था, अरे चलो इसको मिटा दूं ना, तो मिटा दूं ना, अरे मिटा रहा हूं मैं, चलो भाई साहब अब देखते हैं एक धांसु पर्सन, किसका कौन सा पर्सन, धांसु, एक धांसु सर भी थे यार, मुझे याद आ रहा है यूट्यूब पे थे शायद कोई धांसु सर करके, हाँ देख लो रे एक बार, इधर देखना सारे बच्चे ध्यान से, एक आदमी क्या कर रहा है बेटा, जब बताओ चलता है तो फ्रिक्शन किधर लगता है, अरे भाई और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बेटा लग रहा है 20 न्यूटन का, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 20 न्यूटन, अच्छा सर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मास जो है वो है 80 केजी, कितना है 80 केजी, और इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है बेटा, अब जैसे आप बोलोगे सर ये 20 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेशन आना चाहिए, और एक्सेलरेशन आने की वजह से तो आदमी की स्पीड लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, अरे लेकिन हवा का फ्रिक्शन उसको क्या कर देता है,
ऐसे तो फिर वो बाइक की भी बढ़ती रहनी चाहिए, याद है वो बाइक वाला, बढ़ती रहनी चाहिए बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है उसका, उसके लिए हाइपर लूप आ चुका है वैसे। अरे बात समझ आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, अब बताओ ये इधर जाता है बेटा 20 मीटर, कितना जाता है तो बताओ, फ्रिक्शन का प्रकरण कितना है? टोटल नहीं लगाना है आपको, सिर्फ फ्रिक्शन का प्रकरण पूछा है मैंने, टोटल तो पूछा ही नहीं मैंने, टोटल तो मैंने सिर्फ फ्रिक्शन का पूछा है। ये 20 न्यूटन लग रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ तो कितना लग रहा है? 20, और 20 मीटर ही आगे चला गया, बताओ फ्रिक्शन का प्रकरण कितना हो, कितना है बेटा? सही से बोल रहा है बालक, कितना आया? हाँ कितना आया? कितना आया? जीरो। कितना आया? जीरो। ठीक है, कितना है बेटा? जीरो आएगा, क्योंकि जब मैं चल रहा हूं ना बेटा, तो मेरा एक पैर किस में है और उसी पर क्या, अरे जमीन वाले पर, ध्यान से सो, फ्रिक्शन किस पर लग रहा है? जमीन वाले पर, और वो किस में है? रेस्ट में है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है, तो वो तो हिला ही नहीं, अरे हिला क्या? नहीं हिला, तो उसके ऊपर वर्कडन जीरो, और जब ये हवा में आ गया और तो ये रुक गया, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्कडन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा लगता है? स्टेटिक लगता है, काइनेटिक लगता, ठीक है? हाँ क्या सोच रही तेरी? मेरे लिए बोल रहा था क्या ऐसे वाक्य? मेरे लिए यूज कर रहा था क्या? क्या सोच रही तेरी? है निकलने वाला था, सोच नहीं पाया, सोच तो वो भी तो बहुत चीजें हैं जो सोच नहीं पाया, तो अब धीरे धीरे सोचना शुरू कर दे। क्या आगे वाला प्रश्न? कौन सा आगे वाला? करा देंगे ना भाई, क्या है सर, लिखने दे बच्चों को। ट्यूशन की कमी थोड़ी है अपने पास, ट्यूशन की कोई कमी नहीं है। अपन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन पे एक बार फिर से आएंगे, तब भी तुम ये गलती करोगे मुझे पता है। तो बताओ स्टैटिक का फ्रिक्शन वर्कडन कितना होता है बेटा? जीरो। नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ सब कुछ छिला पड़ा है तो पहले बता रहा हूँ, नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से वाक्य सही नहीं है तुम्हारा। होता है रुक जा, अभी हिले हुए हैं सारी चीजें, ठीक है, धीरे धीरे आएगा सब, सब आएगा सब, सब का सब। अरे अगला क्वेश्चन सोचने दो मुझे। हाँ ये स्प्रिंग एकदम मस्त तरीके से ऐसे बढ़िया तरीके से बैठी हुई है, इसका स्प्रिंग क्वेश्चन कितना है? के। और यहां क्या हो रहा है बेटा? एक ब्लॉक भागा भागा आ रहा है, कितना आ रहा है? एम मास का ब्लॉक है, और कितनी स्पीड से भागा भागा आ रहा है? वी स्पीड से भागा भागा रहा है। मैं फिलहाल वी और एम के ऐसे ले लूँ, वो चाहूँ तो मैं ऐसे डाटा भी ले सकता हूँ, के की वैल्यू 10 ले ली, वी की वैल्यू 20 ले ली, एम की वैल्यू 2 kg ले ली, ऐसे। अरे बात समझ रहे हो ना, मैं ऐसा ले नहीं रहा हूँ, आप इससे समझे को थोड़ा अच्छा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लियर रहेगी। और म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो है। कितनी है? जीरो है। बताओ स्प्रिंग में दबाव कितना आएगा? स्प्रिंग में दबाव कितना आएगा, यानी कंप्रेशन कितना आएगा? जी है, उतना ही आएगा, सीधी सी बात है। आंसर कितना आएगा? सर सारे सब पे लगाम लगाते हैं, तुम दो चीज लगा सकते हो, या तो WET लगा सकते हो या MEC भी लगा सकते हो। MEC तब लगेगी जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या हो जाए? हाँ वो जीरो ही है, है ही नहीं कोई कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, नहीं लग रहा। इसका मतलब हम सीधा लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा? MEC। क्या लगा देंगे?
और एमईसी के लिए अपन को क्या मानना पड़ेगा, एक रेफरेंस तो मानना ही पड़ेगा। मैंने रेफरेंस इसी को मान लिया है, इसका मतलब देखो स्टार्टिंग में यहाँ पर है तो बाद में भी इसी लेवल पर रहा, लेवल तो ऊपर या नीचे गए नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अरे स्प्रिंग स्थिति जुड़ जाएगी, नहीं आई, हाँ उसमें आएगा। तो जैसे ये दब जाएगा तो दब जाएगा, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा बेटा, और दबाव कितना मान लिया मैंने, और वही निकालना है मुझे। तो बताओ स्टार्टिंग के अंदर काइनेटिक कितनी है, मैं पूरा लिखता हूँ, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की। स्प्रिंग की भी तो लिखेंगे आप, स्प्रिंग की कौन सी बेटा, इनिशियल वाली, कौन सी इनिशियल वाली, बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की फाइनल वाली। अरे नेक्स्ट बताइए क्या, काइनेटिक इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, वो जीरो है, प्लस में ये भी जीरो है। स्टार्टिंग में तो कोई खिंचाव है ही नहीं ना, खिंचाव या दबाव है क्या, नहीं है, इज इक्वल टू, अंत में रुक जाएगा भाई, अंत में तो रुक जाएगा, प्लस में पोटेंशियल वो तो अभी भी जीरो ही है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर आ चुकी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और तुम्हें एक्स चाहिए था, हाफ से हाफ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट एम बाई के और वी बाहर आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, पक्का आया ना, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी बात की, कोई समस्या, कोई परेशानी है कि नहीं है, है क्या है बता, बोल गए तुम बोलो, तुम तो बोलो भाई, मैं तो कह रहा हूं तुम तो बोलो मुझे, तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। भाई साहब बोल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई साहब इसके ऊपर, जब ये अंदर जा रहा होगा तो सर इधर लग रहा होगा के एक्स स्प्रिंग का फोर्स, दबी हुई स्प्रिंग है ना यार, एक लग रहा होगा क्या एम जी, एक लग रहा होगा नॉर्मल, क्या कोई और फोर्स है क्या, नहीं है। अच्छा तो वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा के, अरे बोलो बोलो कौन कौन से हैं, एम जी प्लस नॉर्मल प्लस स्प्रिंग, अरे इतनी फोर्स है क्या, इक्वल टू के फाइनल माइनस, अरे सही लिख रहा मैं, अच्छा अच्छा एम जी का वर्क डन जीरो, क्योंकि एम जी तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही इधर हुआ ही नहीं, बढ़िया, प्लस में स्प्रिंग का माइनस, बराबर के फाइनल जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, आंसर सेम। क्या हाँ इधर ही जाए, क्या इसके ऊपर लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है भाई, हाँ एक तरीके से कह सकते हो एक्शन रिएक्शन ये लगा ही रहा है, लेकिन वो लगा कितना है बात समझे नहीं, तुम्हें तो इस ब्लॉक पे ऊपर देखने ना, इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एम जी नॉर्मल यही सब लग रहे हैं बस, और तो कोई बल ही नहीं, तुम धक्का मार के ले जा रहे हो गैस को, नहीं वो पिछली बार वाले तो धक्का मार के लेके गए थे, तभी देखना एक्सटर्नल फोर्स देखना, ये इसको दाब पा रहा है क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल में बदल गई है। अब थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये यहीं रुका नहीं रहेगा, स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहिए, ये वापस खुलेगा, और जब खुलेगा तो यहां से ये हट जाएगी, स्प्रिंग तो हट जाएगी और ये वापस वी से भाग जाएगा। आगे जब ऐसे हम पढ़ेंगे ना तो अपन यही देखेंगे कि ये चक्कर काट के आया ना, कितना टाइम लिया, समझ रहे हो, अरे बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत है क्या, कुछ समस्या है क्या, टाइम कितना हुआ बेटा, आठ चालीस, बीस बीस तीस पैसे घंटे भर का तो हो गया लगता है, जी भी कितना हुआ, चार पॉइंट छः बचे हुए, ठीक है फिर बाकी कल कैसे करते हैं, है ना पावर निपटा देंगे कल, तो बाकी उसके बाद में पावर की बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है बेटा, तो कल हम पावर को निपटाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि इनके ही रिलेटेड क्वेश्चन कर लें वर्क एनर्जी के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कुछ भी कर सकते हैं कल, ठीक है, चलो बेटा विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।